गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जूलॉजी प्रैक्टिकल में हमने पिछले टर्म पर कुछ कार्टिलेजिनस फिश के बारे में चर्चा की थी। आज हम उससे आगे चलते हैं, बोनी फिश के बारे में आज चर्चा करेंगे। बोनी फिश में एसिपेंसर, लेवियो और एमिया, इन तीन फिश के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिपेंसर। एसिपेंसर जिसे स्टर्जियन भी कहते हैं, इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है? इसका फाइलम कॉर्डेटा होता है क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। इसका सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है क्योंकि इसकी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित हो जाती है। इसमें डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा होता है क्योंकि इसमें जॉज प्रेजेंट होते हैं। इसका सुपर क्लास स्पीसीज है क्योंकि ये ट्रू फिश होती है। क्लास ऑस्टिक फिश है क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है। इनका सब क्लास कॉन्ड्रोस्टियाई होते हैं क्योंकि कार्टिलेजिनस बोनी फिश है। ये ऐसी बोनी फिश हैं जिनमें कार्टिलेज के भी एंडोस्केलेटन पाया जाता है, बोन्स का भी और कार्टिलेजिनस का भी, दोनों का ही। इसलिए कोंड्रो, कोंड्रो मींस कार्टिलेजिनस, ओस्टी मींस बोन, यानी कार्टिलेजिनस प्लस बोन दोनों का एंडोस्केलेटन जिसमें होता हो उन्हें कोंड्रोस्टियन फिश कहते हैं। ऑर्डर इसका एसिपेंसरी फॉर्मिस होता है, जो इसका मतलब है कि स्केल्स बोन्स बोनी गैनोइड जो है वो स्क्यूट्स के रूप में पाए जाते हैं। एसिपेंसर की जैसी मछलियां हैं ये, और इसका जीनस है एसिपेंसर, यानी कॉमनली इसको स्टर्जियन के नाम से जाना जाता है। उसके इसका ये डायग्राम है, इसमें इसका जो स्नाउट है वो बहुत ही लंबा और एकदम शॉल के जैसा, यानी फावड़े के जैसा दिखता है, और इसमें पेक्टोरल और पेल्विक फिन काफी डिस्टेंस पे होते हैं। इनमें इसके शरीर के ऊपर आगे से पीछे की तरफ स्क्यूट्स की 4-5 रोज पाई जाती हैं, पंक्तियां पाई जाती हैं। स्क्यूट्स जैसे कि ऑस्ट्रोकोडर्म और प्लेकोडर्म्स के अंदर पाए जाते थे, इस प्रकार के स्क्यूट्स इसके शरीर पर पाए जाते हैं। हालांकि साइक्लोइड स्केल पाए जाते हैं, साइक्लोइड स्केल भी पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा ये स्क्यूट्स होते हैं। और डोर्सल फिन जो है वो डोर्सल फिन पाई जाती है, और उसमें द्विपक्ष की है, डोर्सल फिन होती है, इसमें हेट्रोसर्कल कॉडल टेल होती है। हेट्रोसर्कल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो कार्टिलेजिनस फिश का है और ये बोनी फिश है, लेकिन इस बोनी फिश के अंदर हेट्रोसर्कल टेल का पाया जाना ये अपने आप में एक अलग लक्षण होता है। उसके बाद आगे चलते हैं इसके सामान्य लक्षण। जैसा कि पहले मैंने बताया, इसको स्टर्जियन भी कहते हैं। एसिपेंसर इज ऑल्सो नोन एज स्टर्जियन। इसका जो कंकालीय रूप से विशिष्ट भाषित मछली होती है, यानी इसका जो बोनी कंकाल है वो थोड़ा सा डिजनरेट प्रकार का होता है, डिजनरेट हो गया है और उसमें कार्टिलेज बन गई है। इसकी पूंछ और पूंछ जो है वो लंबी होती है, और हेट्रोसर्कल प्रकार की कॉडल फिन होती है, यानी हेट्रोसर्कल मतलब विषमपुच्छ की जिसके दोनों लोब अलग अलग आकार के होते हों वो हेट्रोसर्कल टेल होती है। इनका कंकाल उपास्थि का बना होता है, यानी कार्टिलेज जीनस फिश का कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी आंख में स्पाइरल वाल पाया जाता है, ये भी कार्टिलेज जीनस फिश, यानी कॉन्ड्रोस्टिस जो फिश होती हैं उनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें अन्य अस्थल मछलियों की तरह वायुकोश पाया जाता है, ये बोनी फिश का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी ऑस्टिक फिश और कॉन्ड्रिक फिश दोनों ही वर्गों के इसके अंदर लक्षण है। मुख इनका अधरीय होता है, यानी वेंट्रली प्लेस्ड होता है, वेंट्रल साइड में होता है। इनके नीचे बार्बल्स पाए जाते हैं जो स्पर्शक का काम करते हैं। एसिपेंसर सबसे सफलतम कोंड्रोस्टीन है। इनका आकार 1 से लेकर 6 मीटर लंबाई तक हो जाता है, इतनी लंबी मछलियां स्टर्जियन होती हैं। तो ये इसकी लंबाई का जो है सफलतम इनका जो राज है वो इनका डेवलपमेंट है। उत्तरी गोलार्ध में एसिपेंसर की लगभग 23 प्रजातियां इस धरती पर पाई जाती हैं। एसिपेंसर या तो पूर्णतया स्वच्छ जली होती है या समुद्र से स्वच्छ जल में सरिताभिगामी प्रवास करती है। सरिताभिगामी एनाड्रोमस माइग्रेशन, यानी समुद्र में रहती हैं और रिवर्स में या नदियों के अंदर ये माइग्रेट करती हैं अंडजनन के लिए। इनके शरीर पर 5 लंबवत पंक्तियों में बोनी प्लेट्स या बोनी स्क्यूट्स पाए थे, जो एसिपेंसर का लाक्षणिक गुण है। किसी जीवित मछली में इस प्रकार के स्क्यूट्स नहीं पाए जाते, रेप्टिलिया में तो पाए जाते हैं लेकिन मछलियों में इस प्रकार के स्क्यूट्स नहीं पाए जाते, ये एसिपेंसर का लाक्षणिक गुण कहलाता है।
इनका जो स्नाउट रीजन है वो असामान्य रूप से सॉवल लाइक यानी कि बेलचा जो होता है कुदाली या बेलचा फावड़े जो जिससे फावड़े से मिट्टी डालते हैं वो बेलचा होता है उसके आकार का इसका स्नाउट पाया जाता है। सॉवल लाइक स्नाउट है इसका जो अपने आप में असामान्य प्रकार का होता है। ऐसी पेंसर व्यावसायिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मछली होती है। इसके अंडों से कवियर नामक एक डिश बनाई जाती है यानी इसके अंडों को खाया जाता है। इसको खुद भी न्यूट्रिएंट रिच होती है, इसको खुद भी भोजन के रूप में लिया जाता है, अंडों को भी और इसको खुद को भी लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये एसी पेंसर के बारे में था। उसके बाद में आगे चलते हैं एमिया, एमिया काल्वा एक दूसरी एक बोनीफिश है एमिया काल्वा। इसकी सिस्टमेटिक पोजिशन देखें तो फाइलम इसका कॉर्डेटा है, सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा है, डिविजन मेथोस्टोमेटा होता है, सुपर क्लास पिसीस और क्लास ऑस्टिकथीस, सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजी। एक्टिनोप्टेरिजी ऑस्टिकथीस इसलिए कि इसका बोनी एंडोस्केलेटन होता है, सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजी यानी कि इसके जो फिन्स हैं वो फिन रेज के द्वारा कठोर फिन हार्डी फिन रेज के द्वारा सपोर्टेड रहते हैं। सब ऑर्डर इसका होलोस्टियाई क्योंकि इसका एंटायर बॉडी जो है एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना होता है। ऑर्डर इसमें एमिफॉर्मिस यानी एमिया की जैसी मछलियां हैं। एमिया एमिया काल्वा इज ऑल्सो नोन एज बोफिन, बो फिन बो यानी धनुष के आकार की मछली, धनुष के जिसके फिन होते हों इस प्रकार की मछली को बोफिन कहा जाता है। एमिया काल्वा ये इसका डायग्राम है जिसमें नो स्केल्स ऑन हेड, हेड के ऊपर कोई स्केल नहीं पाए थे। बोनी प्लेट्स बिटवीन लोअर एंड लोअर जॉ इसके अंदर ये इसमें बोनी प्लेट्स ये पाई जा रही हैं और ये इसका ओपरक्यूलम है। इसके ओपरक्यूलम के ठीक पीछे ये पेक्टोरल फिन है और ये पेल्विक फिन है और पेल्विक फिन के अलावा इसमें एक छोटी सी एनल फिन भी पाई जाती है। इसका कॉडल फिन एक डोर्सल कंटिन्यूस कॉडल फिन पाया जाता है, लंबी कॉडल फिन पाई जाती है, कंगी के समान एक कॉडल फिन पाई जाती है। इसकी पूंछ पर एक आई स्पॉट या ओसिली नामक स्पॉट पाया जाता है। इसकी पूंछ जो है लगभग होमो सर्कल जैसी होती है यानी होमो सर्कल से मतलब दोनों लोब बराबर के होते हैं लेकिन बाहर की तरफ ओवरनुमा इस प्रकार की ये मछली होती है। इसलिए ये धनुष के आकार की इसकी फिन होती है इसलिए इसको बोफिन या एमिया कहते हैं। एमिया काल्वा के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं, इसे बोफिन कहते हैं। ये 0.5 मीटर से लेकर 1 मीटर लंबी होती है यानी आधी मीटर से लेकर के 1 मीटर की लंबाई तक इसकी लंबाई होती है। ये उत्तरी अमेरिका के शक्तिशाली परवक्षी मछली के रूप में पाई जाती है। ये बहुत ही जो है कार्निवोरस फिश है और प्रीडेटरी फिश है, दूसरी छोटी मछलियों को ये खा जाती है। इसके बहुत से लक्षण अस्थिल मछलियों से मिलते हैं, ज्यादातर लक्षण अस्थिल मछलियों से मिलते हैं इसलिए इसको अस्थिल यानी बोनी फिश में रखा गया। जैसे कि इसका अंतः कंकाल बोन्स का बना होता है, इसकी जो पूंछ है वो समपुच्छ की या होमोसर्कल प्रकार की होती है, इसकी आंख में स्पाइरल वाल्व पाया जाता है। ये स्पाइरल वाल्व का पाया जाना ये कॉन्ड्रोस्टियाई जो कॉन्डक्टिस फिश होती है कार्टिलेजियस फिश उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन इसमें ये पाया जाता है, एमिया में ये चीज पाई जाती है। इसमें अन्य अस्थिल मछलियों की तरह वायुकोश पाए जाते हैं। ये वायुकोश का पाया जाना, ये सेलुलर वायुकोश का पाया जाना ये बोनी फिश का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इसमें पाया जाता है। तो इसका मतलब इसमें भी कुछ कार्टिलेजिनस और बोन्स बोनी फिश के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। गले पर इसमें कंगी के समान संरचना पाई जाती है। इसके शरीर पर साइक्लॉइड स्केल पाए जाते हैं। लंबी और सतत पृष्ठीय फिन की सहायता से इसमें अंड्यूलेटिंग मूवमेंट होता है यानी कि जो ऊपर की जो डोर्सल फिन है उसकी सहायता से ये मूवमेंट करती है पानी के अंदर, बहुत तेजी से मूवमेंट करती है, अंडुलेटिंग मूवमेंट करती है। ऑक्सीजन की कमी में भी ये जिंदा रह लेती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पर इसका जो वायुकोश है वो उत्प्लावकता तो प्रदान करता ही है, उसके अलावा उसमें श्वसन भी करता है, वायु श्वसन भी ये कर सकती है उसकी सहायता से। तो इस प्रकार से ये एमिया, इसमें एमिया के करेक्टरिस्टिक फीचर हुए। उसके बाद में तीसरी मछली है लेवीरोइटा, लेवियो जिसे रोहू के नाम से भी जाना जाता है। इसका फाइलम कॉर्डेटा, सिस्टमेटिक पोजीशन में फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन मेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास स्पीशीज, क्लास ऑस्टिकथीस क्योंकि बोनी एंडोस्केलेटन होता है। ऑर्डर इसका है टीलियोस्टियाई, टीलियोस्टियाई यानी इसके के टर्मिनल एंड पर इसके माउथ का पाया जाना और इसका एंडोस्केलेटन पूरी तरह कंप्लीटली मॉडिफाइड इनटू द बोनी एंडोस्केलेटन। इसकी जो फैमिली है वो साइप्रेनिफॉर्मिस है क्योंकि ये कार्प में आती है, कार्प मछलियों मछलियां जितनी भी है वो साइप्रेनिफॉर्मिस में आती है। इसका जीनस लेवीरोइटा है और इसको सामान्यतया कॉमनली जो है उसको रोहू के नाम से जाना जाता है, रोहू मछली के नाम से जाना जाता है।
भारत की नदियों में पाई जाने वाली ये स्वच्छ जलीय अस्थल मछली होती है। इसे सर्वाधिक चाप से खाई जाने वाली मछली है। ये अधिकतर उष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है आदि में ये पाई जाने वाली अंडज मछली होती है, यानी अंडज अंडे देने वाली मछली होती है, ये बच्चे नहीं देती। ये लेबियो रोजा का ये डायग्राम है, ये इसमें लेबियो बिल्कुल इसका एंड माउथ देखें तो बिल्कुल टर्मिनल एंड पर होता है और इसके माउथ के ऊपर ये इस प्रकार से लिप्स हैं इसके फोल्ड लिप्स और ये दो नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। इसके ठीक पीछे ये गोलाकार आंखें हैं और इसका ये हेड है, ये इसका ट्रंक रीजन है। बॉडी तीन भागों में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक और टेल। पीछे वाली टेल रीजन है, टेल इसकी कॉडल फिन पाई जाती है जो होमोसर्कल कॉडल फिन होती है, यानी कि एपिकॉडल लोब और हाइपोकॉडल लोब दोनों ही लोब बराबर की आकृति के होते हैं, बराबर शेप के होते हैं, आकार के होते हैं, लंबाई के होते हैं, इसीलिए इसको होमोसर्कल टेल कहा जाता है। इस टेल के पीछे की तरफ यानी एनस के पास में एक एनल फिन भी पाई जाती है, वो भी लोकोमोटरी ऑर्गन का काम करती है। इसके और थोड़ा सा आगे की तरफ चलें तो इसमें पेल्विक फिन पाई जाती है। पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन ये दो जोड़ी में पेयर में पाई जाने वाली फिन होती हैं, जो प्रमुख लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं इसके। और ये इसके गिल्स के ऊपर एक कवर पाया जाता है जिसे गिल कवर या ऊपर फिलम कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये लेबियो रोइटा है जो स्पिंडल शेप इसकी शेप होती है, जो तैरने में पानी में तैरने में थोड़ी हेल्प करती है। ये शाकाहारी होती हैं या तलवासी मछली होती है जो अपने भोजन में शैवाल व अन्य जलीय पौधे लेती हैं। पूर्ण रूप से वृद्धि करके ये जो लेबियो है वो लगभग 70 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है और लगभग 7.5 किलोग्राम वजन तक की हो जाती है। फुली जो मैच्योर है वो 7.5 किलोग्राम की वजन की होती है, इसमें काफी अच्छा मीट निकलता है। इसका शरीर सिर्फ धड़ पूंछ में व्यक्त होता है। इसकी संपूर्ण सतह पर ओवरलैपिंग करते हुए यानी इम्ब्रिकेटिंग करते हुए साइक्लॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। इसमें पृष्ठीय, पुष्य, गुदीय अयुग्मित फिन्स तथा पेक्टोरल और पेल्विक युग्मित फिन्स पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये लोकोमोशन करती है। लेबियों में अंडजनन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसकी जो फेकंडिटी है, फेकंडिटी कहते हैं अंडे देने की क्षमता, अंडे कितनी संख्या में दे सकती है उसे फेकंडिटी कहा जाता है। इसमें 225,500 से लेकर के 27,94,000 अंडे जनन की क्षमता होती है। इसके औसतन अगर अंडाणु की प्रति किलोग्राम अगर बात करें तो लगभग 1,258 किलोग्राम अंडे प्रति किलोग्राम देती है। रोहू 3 साल की उम्र में परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, यानी अंडे देने के काबिल हो जाती है। और इकाई समय में रोहू के एक अंडाशय को अगर देखा जाए तो उसमें इकाई समय में 3 लाख अंडाणु एनी टाइम हो सकते हैं, एनी टाइम पाए जाते हैं। ये अप्रैल से लेकर के जुलाई के बीच में अंडजनन करती है। ये नदी के समान खुले जल में अंडजनन करती है और नदी के खुले जल में अंडजनन करती है। रोहू कभी भी स्थिर जल में या रुके हुए जल में अंडजनन नहीं करती, ये इसकी खास बात है कि ये जो है बहते हुए जल में ही अंडजनन करती है। तो ये इन तीन मछलियों के बारे में था। थैंक यू वेरी मच।